ये तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं, फोटो मेरे पास भी है, इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं। पूरी बला की जड़ परिवारवाद में और परिवारवाद की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी में है। ये तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं, फोटो मेरे पास भी है, इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगा दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूँ, यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ, 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। लेकिन आज अरे दामाद का मामला है, बैठ जा भाई। दामाद आपका नहीं है, जिनका है वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठ जाइए भाई, जिसका है दामाद वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठिए, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोयले घोटाले में पकड़े गए, 2G में भी पकड़े जाएंगे, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज। आप बताइए, पूरी बला की जड़ महोदय, पूरी बला की जड़ परिवारवाद में और परिवारवाद की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी में है। इनके अलायंस के लोग चारा खाते हैं, ये उनके घर मटन खाने चले जाते हैं। इनके अलायंस के लोग रेल की नौकरी के लिए गरीब की जमीन खाते हैं, जाके वो उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं। और इनके सब के पीछे एक ही मजबूरी है, जो बड़ी विनम्रता से अधिकार ने भी स्वीकारी कि मजबूरी हमारी कि तीसरी बार जनता कह रही है फिर एक बार मोदी की बारी। ओके ओके।